उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें लड़की जब मिलेगी जब तुम अपना धर्म परिवर्तन करके हमारे सिख धर्म में आके हमारे घर पे ही रहोगे। अच्छा। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे दोनों बच्चों को और तुम्हें जान से मार के अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। और ये शादी के लिए लड़की का हाथ उसकी माँ ने दिया, मंजू सिंह ने मिला। अभी तक बेटा कि वो किस हाल में है, कैसी है, कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं, वो तो अल्लाह जानता है, वो जानती है। अगर मुझे कुछ जलते अंगारों पर आके ये बोले कि तेरी वाइफ तेरे साथ गलत कर रही है, वो तेरे हक में नहीं है, तेरे बुरे में है, तो मैं तब भी विश्वास नहीं करूँ कुछ जलते अंगारों पर आके उसके खिलाफ बोले। अपने बीवी बच्चों की इतनी टेंशन है कि मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे मुझे मिल जाए। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने एक मूवी देखी होगी, गदर, एक प्रेम कथा। उस मूवी में दिखाया था कि सकीना नाम की जो लड़की होती है वो अपने पति के पास रहती है, उसे एक बच्चा भी पैदा होता है, और करीब 4-5 साल अपने पति के साथ रहने के बाद में वो अपने पति से कहती है कि मुझे अपने मायके की याद आ रही है, मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, बहन भाई से मिलना चाहती हूँ, मुझे उनकी याद सता रही है। उसका पति उसे वहाँ जाने की इजाज़त दे देता है कि वो अपने परिवार से जाके मिल लेगी तो थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा, 4-5 साल का वक्त बीत चुका था। मगर जब सकीना अपने माँ बाप से जाके मिलती है फिर उसे वापस नहीं भेजा जाता। वैसी ही कहानी मैं आज आपको साक्षात दिखाने और बताने जा रहा हूँ। जो शख्स मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, इनके साथ सेम वही हुआ है। इनकी पत्नी 4 से 5 साल इनके साथ रहती हैं, 2 बच्चे इनको पैदा हुए इनकी पत्नी को। उसके बाद में जब इनसे उन्होंने आग्रह किया कि मुझे अपने माँ बाप से मिलना है, मुझे उनकी बहुत याद सता रही है, बस मुझे मिला कर ले कर आ जाओ, मैं वहाँ जाऊँगी, उनसे मिल के आ जाऊँगी, ये लेकर वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद में आज तकरीबन 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, मगर ना इनकी पत्नी इनको मिली है, ना ही इनको बच्चे दिए जा रहे हैं। जिस जगह पर इनके ससुराली जन रहते थे उस जगह को छोड़कर वो कहीं ऐसी जगह चले गए हैं जिसका इनको पता तक नहीं चल पा रहा। चलिए, खैर, पूरी दास्तान इन्हीं से सुनते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। कहाँ से हैं? सहारनपुर। सहारनपुर से जी। नौशाद भाई, थोड़ा बताइए कि क्या प्यार की कहानी है आपकी और क्या पूरी बात है? प्यार की कहानी तो बहुत लंबी है, मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा आपको। मेरे सास ससुर ने मुझे 10 सितंबर में 2023 में अपने घर पे बुलाया कि बेटा लड़की को लेके यहाँ जाओ, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई एक्सपायर हो चुके हैं, हम अपनी लड़की की डिलीवरी यहाँ पे करा देंगे। मैं अपने सास ससुर के कहने पे अपनी बीवी की रजामंदी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत खुशी के साथ में 10 सितंबर 2023 को। कितने साल बाद जाते हैं आप अपने ससुराल? 5 साल के बाद में। 5 साल? तो ये लव मैरिज था आपका? लव मैरिज है। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि डिलीवरी यहाँ करा देंगे। मैं उसको प्यार मोहब्बत के साथ में रजामंदी के साथ ले गया। ले जाने के बाद मेरे ससुर ने मेरे साथ मेरी वाइफ के साथ में अवधता की कि अगर तुमने यहाँ से दोबारा जाने की कोशिश की, यहाँ से भाग, मेरी पत्नी से कहा, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे दोनों बच्चों को और तुम्हें जान से मार के अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। जब तक तुम इनके पास थी तो अपने पति की थी, आज तुम हमारे पास में तो हमारी हो, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारे दोनों बच्चों को पहले मारेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे उसके बाद में। पुलिस के पास गई आप? मैं पुलिस के पास नहीं गया अभी तक, इस कारण कि मेरी वाइफ की ज़िंदगी का मसला है, मेरे बच्चों का मसला है, मेरा ससुर कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे, इस कारण मैं कोई केस नहीं करवा सके। बाकी मैंने लखनऊ से सहारनपुर तक हर अधिकारी को ये मामला अवगत करा रखा है। अच्छा, बड़े अधिकारियों को, सबको आपने को, SSP साहब को, सहारनपुर से लखनऊ तक। अच्छा, बस मैंने कोई केस इसलिए नहीं किया कि मैं अपनी बीवी से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी कचहरी में बेआबरू हो। तो ऐसा एक बात बताइए, कितना समय हो गया आपकी बीवी को वहाँ रहते हुए? 10 सितंबर में पूरा 1 साल हो चुका, जिसकी आज 26 तारीख है। 1 साल में क्या ऐसा समय नहीं मिला कि आपकी पत्नी आपके बच्चों को लेकर आ जाती? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस हाल में है, कैसी है, कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं, वो तो अल्लाह जानता है, वो जानती है। मैं आज इतना परेशान हूँ अपने बीवी बच्चों को लेकर कि मुझे अपने बीवी बच्चों की इतनी टेंशन है कि मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे मुझे मिल जाए। एक बात बताइए, आप वहाँ गए, आपके बीवी बच्चों को वहाँ रख लिया गया, आपसे उसी दौरान आपको भगा दिया गया था, या वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, समझ नहीं पा रहे आप। 2 महीने तो बिल्कुल सही रहे वो हमारे साथ में डिलीवरी तक के, 10 सितंबर में वहाँ पे ले गया और 5 अक्टूबर में मुझे एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद 20 नवंबर में उन्होंने अपनी छोटी लड़की की शादी तय की, उस शादी में उन्होंने मुझे शामिल नहीं किया।
उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें लड़की जब मिलेगी जब तुम अपना धर्म परिवर्तन करके हमारे सिख धर्म में आके हमारे घर पे ही रहोगे। अच्छा, वो कौन से धर्म से है आपकी पत्नी? सिख धर्म से। सिख धर्म से है। तो आपने जो लव मैरिज किया, कोर्ट मैरिज किया, क्या किया वो थोड़ा? मैरिज रजिस्ट्रेशन है हमारा, कोर्ट से धर्म परिवर्तन किया हुआ है, निकाहनामा है, सब कुछ है। सब कुछ है जी। तो ये उनकी राजी से हुआ, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास में, एक एक निकाह की रिकॉर्डिंग, निकाह की रिकॉर्डिंग है, दारुल उलूम नदवातुल से ट्रांसलेशन करा रखा है लखनऊ से। तो अब एक बात, एक सवाल गूंज रहा है, आपकी पत्नी के आपके लिए वो इस्लाम धर्म उसने कबूल कर लिया, अब वो कह रहे हैं कि अब तुम सिख धर्म जो है वो कबूल करो, ये कह रहे हैं ना? जी। तो तुम क्या कहना चाहते? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कोई जबरन उसे धर्म परिवर्तन नहीं कराया। अच्छा। वो अपने बाप से परेशान तंग आ करके उसने धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि मेरे ससुर ने अपने इकलौते बेटे को सुसाइड करने पर मजबूर किया। उसने अपने बाप से तंग आ करके सुसाइड किया, ट्रेन का के कूद के अपनी जान दी 16 सितंबर 2015 में। तो मेरी वाइफ के मन में शादी से पहले ये था कि जो बाप इकलौते बेटे को मरवा सकता है तो वो मुझे क्या रखेगा। उसके साथ में बहुत अत्याचार हुआ है घर पर, बातें बहुत लंबी है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरे पास में एक एक प्रूफ है शादी से पहले से, 9 साल से मेरे पास में एक एक प्रूफ है 9 साल का। मेरी बताइए थोड़ा, कोई बात नहीं, दो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं 16 सितंबर 2015 मैं अपने साले की डेथ पर गया लखनऊ। मेरे ससुर का अपने लड़के को हर वक्त का, हर बार का टॉर्चर बाज ये था कि साला एक अंडा वही अंधा, एक अंडा वही अंधा। वो मेरा इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था, थोड़ा आंखों से कमज़ोर था वो, हर वक्त उसे ये टॉर्चर करते रहते थे। एक दिन उसके दोस्तों के सामने ये बोल दिया कि एक अंडा वही अंधा, किसी बच्चा है 17-18 साल की उम्र थी, तो वो किसी कहने को उनके मान नहीं पाया। तो उसने ना जाने उसके माइंड में क्या है, उसने जाके मालगाड़ी के आगे अपनी आत्महत्या कर ली, जा गया सुसाइड कर बैठा। अपने बाप की इस बात से तंग आके मेरी वाइफ ने इस बात का डिसीजन लिया, जो इकलौते बेटे का नहीं हो सकता, हम दो बहनों में से किसका हो जाएगा। 2015 में उसके भाई की डेथ हुई, यानी कि मेरे साले की, और 2019 में हमारी शादी हुई। और ये शादी के लिए लड़की का हाथ उसकी माँ ने दिया, मंजू सिंह ने, मेरे हाथ में, कि बेटा इनकी परेशानी इतनी है, इतना परेशान हम इन लोगों से, अपने बेटों को मैंने खो दिया, उसके बाद मेरा पति सही नहीं है। यानी माँ की राजी से ये सब हुआ? माँ की राजी से। उसकी माँ को 3 साल से पता था कि हमारा अफेयर चल रहा है, पर उसने कभी इतनी हिम्मत नहीं की मेरी सास मंजू सिंह ने कि अपने हस्बैंड से बात कर सके हमारे बारे में। मेरी वाइफ ने और मैंने लगभग 3 साल का समय दिया उन्हें बात करने के लिए, पर वो नहीं मानी। जब उन्होंने अपने घर पे ऐसी कंडीशन देखी कि मेरी लड़की के साथ में उनकी नज़र गलत है, नशे की हालत में उन्होंने मेरी वाइफ के ऊपर कुंवारेपन में हाथ डाला था, जिस कारण मेरी वाइफ ने धर्म परिवर्तन किया, यानी कि परेशान और तंग आकर धर्म परिवर्तन किया था। मगर जो अपनी आपकी पत्नी है वो अब आपके पास क्यों नहीं आ पा रही? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस दबाव में है, किस टेंशन में है कि नहीं। अगर मुझे कोई जलते अंगारों पर आके ये बोले कि तेरी वाइफ तेरे साथ गलत कर रही है, वो तेरे हक में नहीं है, तेरे बुरे में है, तो मैं तब भी विश्वास नहीं करूँ कि जलते अंगारों पर आके उसके खिलाफ बोले। आपसे इतना प्यार करती है? इतना प्यार करती है मुझसे, शायद इतना मैं भी ना करता हूँ, मुझसे ज़्यादा प्यार करती है मुझसे वो। तो अब कितने दिन से बातचीत नहीं हुई पत्नी से, बच्चों को कब से नहीं देखा? मेरी वाइफ की मेरी लास्ट टाइम जो बात हुई 27 जनवरी में हुई थी, उसके बाद आज तक मेरी कोई बात नहीं हुई, कोई वीडियो कॉल वगैरह कुछ नहीं है। कोशिश की आपने जानने की? मैं 2 मरतबा वहाँ पे गया, घर पे ताला लगा हुआ है, और पड़ोस के लोग सब लोग ये बोलते हैं कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं किस तरह का, हमें नहीं मालूम भैया ये कहाँ पे हैं। अब आप क्या चाहते? बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे मुझे मिल जाएँ, बस सदमे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर अपनी वाइफ के मुँहों में चुप हूँ, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो अपने प्यार को या प्यार के परिवार को ठेस न पहुँचाए। ये वीडियो इनकी पत्नी तक अगर पहुँचता है, अगर किसी मुसीबत में है, किसी दिक्कत में है, वो अपना वीडियो हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी है, वो नंबर आप लीजिए, हमें मैसेज कीजिएगा। अगर आपकी पत्नी आपसे आके कह दे कि भाई हमें आपके साथ नहीं रहना, तो पहली बात तो अल्लाह का करम है मेरे पे, और अल्लाह के बाद मैं अपनी वाइफ पे 100 में से 110% भरोसा करता हूँ, 110%। उसके बाद भी अगर वो 1% अपने परिवार के साथ खुश है
और मेरे साथ ना आके, ठीक है वो नहीं आना चाहती तो आके सामने बोले, फेस करे कि मैं आपके साथ आ नहीं सकती, मुझे इस तरह की दिक्कत है, कोई दिक्कत बताए, कोई रीज़न बताए ना आने का, और रीज़न भी नहीं बता सकती, सिर्फ इतना बता दे कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो जहाँ तुम्हारी खुशी तुम वहाँ रहो, मेरे बच्चे मुझे दे दो। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लखनऊ। लखनऊ की। और आप कहाँ की हैं? सहारनपुर। आप सहारनपुर? हाँ जी। तो अपनी बात आप रख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत परेशानी है वो मैसेज में आप मुझे बता सकते हैं, अगर इनसे बात करना नहीं चाहते हैं हम इन तक आपका मैसेज पहुंचा देंगे, और वीडियो में अगर आप आकर कहना कुछ चाहते हैं तो हमारे पास आकर अपनी बात आप रख सकते हैं। चलिए खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि सकीना तो उस फिल्म में मिल गई थी उनको, मगर इनकी सकीना इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी।